नमस्कार साग माने देशर नागरिक हिसाब रे आपण वोट त दियंती आपण ईवीएम रे कौ सुई दबै चंती एहा द्वारा आपणकर एवं आपणक देश बा आपणक राज्यर भविष्यत साग माने समस्त इलेक्शन रे आपण माने ईवीएम मशीन द्वारा वोट त दैथिबे किंतु केबे चिंता करि चंती कोन अन्य मशीन परी ईवीएम मशीन भी हैक हेइ पारिबो एमिति आपणक मन रे बहुत सारा प्रश्न आसुथिबो आपण दौतिबा वोट आउ कौ पार्टी पाखक जाउनि त हं कोन सतरे ईवीएम मशीन हैक होइ पारिबो ईवीएम मशीन द्वारा सरकार आम को ठकु नहांति तो कोन आपण जानिछंति सतरे आपण कहा को वोट देउछंति आपण दउतिबा वोट औ को पार्टी को जाउनि तो एमिति प्रश्न आपण को मन रे बहुत सारा आछथिबो किंतु एही सब प्रश्न को आमे एही वीडियो रे डिस्कशन करिबा वीडियो टिर शेष पर्यंत रुहंतु सांगो माने भारत रे इलेक्शन प्रोसेस बहुत वर्ष पुरणा वोटिंग पाई आमे पूर्वरु बैलेट पेपर यूज करी आसुथिले किंतु बढ़ुतिबा जनसंख्या को देखि आमे ईवीएम मशीन को शिफ्ट होइगलु एहा पूर्वरु आमे ईवीएम मशीन किभली काम करे ताहा जानिबा एहा हेउछि आपणकर ईवीएम एथिरे तीनोटी यूनिट थाए जदि आमे कथा हबा प्रथम यूनिट आपण वोट करिया पाई बटम दबांती ताकु कुहा जाय बैलेट यूनिट एथिरे आपणकर पार्टी एवं कैंडिडेट मानकर डिटेल्स रही थाए जेतेबेले आपण बूथ को जाय आपण वोट करथिबे बैलेट यूनिट रे एठारो कमांड जाय वीवीपैट मशीन उपरे वीवीपैट मशीन गोटिए स्लिप जनरेट करथाय 7 सेकंड पर्यंत विजिबल रहित आपण जो कैंडिडेट को वोट करथिबे तार नाम एवं सीरियल नंबर आ को पार्टी रो बिलोंग करथिबो तार सिंबल रहिथाय एहा परे वीवीपैट मशीन कमांड पठाए कंट्रोल यूनिट को एठारे आपणकर वोट काउंटिंग करा जायथाय कोउ पार्टी केत्ते वोट पाइछि गोटिए बूथ रे जेतेबेले बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग करा जाउतिला सेही समय रे बहुत सारा बैलेट पेपर एवं एहा को हिसाब करिया पई बहुत सारा मेन पावर रो आवश्यकता हेउतला आउ एही सिस्टम रे स्कैम बहुत सहज थिला किछि अंचल रे बूथ को चोरी करि नै जाउथिले एमिति रे बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत सारा बैलेट पेपर आवश्यक को बीट करिया पई ईवीएम मशीन को अणा गला ईवीएम मशीन आम भारत रे प्रथम थरो यूज केरला रो स्टेट इलेक्शन रे किछि बूथ मानन करे यूज करा जाइथिला एहा परे 2004 परठारो आजि पर्यंत जेत्ते के भी इलेक्शन होईछि ईवीएम मशीन द्वारा वोटिंग करा जाइछि किंतु लोक मानन को मन रे इलेक्शन पूर्वरो ईवीएम मशीन को नै मन रे बहुत प्रश्न आसीथाय आमे देउथिबा वोट आउ कहा पाख को जाउनि त आमे देउथिबा वोट निज पसंद रो पार्टी पाख को जाउछि ना अन्य पार्टी पाख को पळउछि ईवीएम मशीन हैक होबार केत्ते चांस रहिछि सांगो माने भारतीय ईवीएम हैक होइ पारिबो नाही तार रीजन एहा कि वर्ल्ड लेवल रो ईवीएम जदि देखिबा यूएस चाइना यूके यूरोपियन यूनियन तांकर ईवीएम इंटरनेट सहित कनेक्शन रही थाए किंतु भारतीय ईवीएम ना तो ब्लूटूथ सहित कनेक्शन रही थाए ना तो वाईफाई सहित कनेक्शन रही थाए ना तो इंटरनेट सहित यह द्वारा भारतीय ईवीएम हैक होबार चांस ही नहीं आपणक मनरे गोटे प्रश्न आसुथिबो कोन सेठारे तांकर ईवीएम प्रति कोन चिंता नाही ईवीएम हैक होबार निहाते चिंता रहिछि सेमानंकर ईवीएम रे इंटरनेट एथि पई लगा जाइछि एहा द्वारा लोकमानंकु आइडेंटिफाई करा जाय पारिबो वोट देउथिबा लोक सेही कंट्री रो ना आउ केही लोक आसी वोट देउछि आउ सेठारे टिप चिन्ह बा बायोमेट्रिक द्वारा वोटिंग करा जायथाय भारत रे 2019 रे जेतेबेले इलेक्शन होइथिला सेही समय रे गोटे मुद्दा उठिथिला ईवीएम मशीन हैक होइ किंतु एही कथा को भारतीय इलेक्शन कमिश्नर खंडन करी कहिथिले 7टी इंटरनेशनल एवं 49 रीजनल पार्टी को आपण दुनिया रो सबुठारो बड़ बड़ एक्सपर्ट मानंकु नैकी आसंतु एवं भारतीय ईवीएम मशीन को हैक करी देखांतु आउ सेही समय रे प्रूफ होई जाइथिला भारतर ईवीएम हैक होई पारिबो नाही ईवीएम मशीन हैक तो होई पारिबो नै किंतु ईवीएम मशीन टेस्टिंग करिबा समय रे किछि टेक्निकल एक्सपर्ट माने चिंता कले कि ईवीएम मशीन को किभलि बाईपास करा जाई पारिबो से माने सेही समय रे कहिथिले कि मेनली दुई प्रकार मशीन को बाईपास करा जाई पारिबो प्रथमटी हेउछि जदि मशीन रो डिस्प्ले को चेंज करा जाए एथिरे एमिति डिस्प्ले लगा जिवो जहां ब्लूटूथ द्वारा कनेक्शन रो कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करा जाउ थेबो एहा द्वारा आमे जहां चाहिबा तहां डिस्प्ले रे देखाई पारिबा एहा द्वारा कोन होबो ना सेही मशीन तो तार इनपुट नबो तापरे जते बेले काउंटिंग करा जिवो सेही समय रे ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा जहां चाहिबा तहां डिस्प्ले रे सेही नंबर मशीन रे देखाई परिबा द्वितीय पद्धति हेउछि मशीन रे जो चिप्स लागी थाए ताको जदि आमे रीराइट करिबा न्यू डाटा सहित
ତାହେଲେ ଭୋଟକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରାଯାଇଥିବା ଚିପ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଚିପ୍ସରେ ଡାଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେକ୍ କରିବା ବା ଟାମ୍ପେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବା ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ଡାଟାକୁ ରି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ମଧ୍ୟ କୁହେ ଟାମ୍ପେଡ୍ କରିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଇଭିଏମ୍ ରଖାଯାଉଥିବା ଜାଗାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥାଏ। ହେକ୍ ବା ଟାମ୍ପେଡ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ବେଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଯଦି ବେଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଲିପ୍କୁ ବେଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଭୋଟିଂ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ। ଏହା ଯେମିତି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଲିପ୍କୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟିଂକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋର ଓପିନିଅନ୍, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ତ ହେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ହେବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଭରସା ହଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିହାତି ଭୋଟ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଇଭିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।